तो दोस्तों ये है नागवासुकी मंदिर जो कि दारागंज में स्थित है, दारागंज प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर जो है स्थित है। तो नागवासुकी मंदिर की कुछ कहानियां हैं, अब वीडियो में बने रहिएगा, हम मंदिर ले चलेंगे आपको, उनका दर्शन भी कराएंगे जो मूर्ति बनी हुई है शेषनाग की। नागवासुकी देवी को कहा जाता है शेषनाग भी कहा, जो कि लक्ष्मण जी के ही रूप थे शेषनाग। दोस्तों इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि लोग ऐसी मान्यताएँ हैं कि औरंगजेब जब इस मंदिर के बारे में जाना तो उसको तोड़ने आया यहाँ पे, और वीडियो में बने रहेगा, पूरा कहानी आपको बताएंगे और आपको अंदर से पूरा दिखाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और कहानी सुनते रहिए। तो औरंगजेब यहाँ आया तो उसने इस मंदिर को तोड़ना चाहा, तो उसने तलवार निकाली और उस जो मंदिर में शेषनाग की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, नागवासुकी देव की जो मूर्ति थी, उसको उसने तलवार से मार के जो है गिराना चाहा, तोड़ना चाहा, तो मंदिर वो टूटी नहीं और उसकी तलवार जो है वहीं अटक गई। इससे बहुत ही वो भयभीत हुआ और जैसा कि तैसा उस मंदिर को वहीं से छोड़ के निकल गया बाहर, और यहीं पे जो अलाहाबाद की रहा है वहाँ पे जाके उसने निवास लिया और उसने फिर कभी उस मंदिर की तरफ मुड़ के नहीं देखा। और फिर उस मंदिर को वैसे ही छोड़ दिया गया। जब भारत फिर धीरे धीरे वहाँ पुजारी जो है पूजा करने लगे, उस मंदिर को वैसे ही छोड़ दिया गया था, और ऐसे में जो औरंगजेब को भी है इस मंदिर के सामने हार माननी पड़ी थी दोस्तों। और दोस्तों हम बात करें तो इसकी एक मान्यता भी है कि जिसको भी काल सर्प दोष होता है, काल सर्प दोष जिसके भी कुंडली में होता है वो यहाँ आके पूजा करता है तो उसके जो है वो काल सर्प दोष दूर हो जाते, ऐसी मान्यताएं हैं। सही बात भी है, मैंने यहाँ पे लोगों को देखा हुआ है काल सर्प दोष की पूजा करवाते हुए, यहाँ पे आके दर्शन करने से उसके कुंडली का काल सर्प दोष जो है वो खत्म हो जाता है। सर्प से जो उसकी मृत्यु होने की जो आशंकाएँ होती हैं या फिर उसको काटने की जो आशंकाएँ होती हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं यहाँ पूजा करने से, इसकी मान्यता है। यहाँ पे एक पितामह भीष्म की एक प्रतिमा भी बनाई गई है, एक प्रतिमा यहाँ पे है जो कि वो सैया पे जो लेटे हुए थे, अर्जुन के बाणों की सैया पे जो लेटे हुए थे उसकी प्रतिमा यहाँ पे है, और उसका भी एक छोटा सा एक पंडाल है, मंदिर है एकदम जस्ट मंदिर के बगल में ही, नागवासुकी मंदिर के बगल में ही। और एक कहानी इसकी और भी है कि एक मराठा किंग था, मराठे किंग थे और उनको जो है वो लिप्रोसी हो गया था, तो उनके पंडित ने कहा कि आप वहाँ पे, आप महाराष्ट्र में भी एक मंदिर है जहाँ पे काल सर्प दोष से लोगों को फ़ायदा मिलता है, उपचार वहाँ का है, तो लिप्रोसी उनको हुई थी, तो फिर उनके पंडित ने बोला कि आप जाइए नागवासुकी देव का दर्शन करिए, शायद आपके जो है ये जो बीमारी है आपकी वहीं से ठीक हो सकती है। उन्होंने शायद लगाया लेकिन उनको पूरा भरोसा था कि जो बीमारी होगी वहीं से ठीक होगी। मराठा किंग वहाँ पे आए, जो महाराष्ट्र कोई राजा थे वहाँ पे आए और वो कुछ दिन वहाँ रहे और उनको उस बीमारी से जड़ से जो है उस बीमारी को ख़त्म कर दिया यहाँ पे आके। तो ये कुछ कहानियाँ हैं दोस्तों नागवासुकी मंदिर की। और ये जब यहाँ पे पानी आ जाता है दोस्तों तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही आनंदमयी जगह, इसको लोग मरीन ड्राइव ऑफ प्रयागराज भी बोलते हैं कि प्रयागराज का मरीन ड्राइव है, और हवाएं क्या ज़बरदस्त यहाँ पे चलती हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसी वीडियो आते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।